नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अमनदी पाई। नजर डालते हैं खबरों की ओर। आज सुबह किसानों ने यूरिया न मिलने के कारण विदिशा रोड पर कलेक्टर बंगला की सामने जाम लगाया। किसानों ने यूरिया न मिलने के कारण गाड़ियों द्वारा रोड बंद कर जाम लगाया। करीब एक सैकड़ा किसान विदिशा रोड स्थित कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा के निवास के सामने एकत्रित हुए और चक्का जाम कर दिया। किसानों ने यूरिया न मिलने और विपणन संघ के अधिकारियों पर यूरिया की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए जाम लगाया। किसानों का आरोप है कि शनिवार को खाद का स्टॉक था और सोमवार को सारे गोदाम खाली हो गए। मौके पर SDM नीलेश शर्मा और तहसीलदार इसरार खान ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और किसानों को लेकर विपणन संस्था पहुंचे, जहां पर उन्होंने दस्तावेजों की छानबीन की और स्टॉक रजिस्टर देखा। उसके बाद जो समितियों को यूरिया वितरण किया गया था उनकी जानकारी ली और जिन समितियों के पास अभी स्टॉक उपलब्ध था उससे वापस लेकर किसानों को दिलवाई गई। अभी किसानों की बोनी का टाइम चल रहा है और इस समय पर किसानों को यूरिया की अत्यधिक आवश्यकता रहती है और इसी का फायदा उठाकर बाजार में यूरिया ज़्यादा रेट पर बेची जाती है। कृषि विभाग द्वारा कार्यवाही न करना भी इस कालाबाजारी की सबसे बड़ा कारण है, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि कृषि विभाग की मिलीभगत से दुकानदार कालाबाजारी करते हैं तो यह भी गलत नहीं होगा। लगभग 50-60 किसानों द्वारा कलेक्टर बंगले के सामने जाम लगाया गया था। उनसे बात की गई है और उनको खाद मिला नहीं है टाइम पे, तो उसका इशू है दिखवाया गया है। अभी स्टॉक पे यहाँ पे है नहीं मार्केट में, तो जो समितियों को दिया गया था उससे लेके उनका तात्कालिक समस्या का समाधान किया जा रहा है। खाद के वजह से यूरिया के वजह से लगाया, क्यों क्या दिक्कत हो रही है? यूरिया रेक लगा था तो यूरिया बहुत आई थी और दो दिन बांटने के बाद हमसे शनिवार को बोले आपको सोमवार को खाद मिलेगा, तो आज हम सोमवार को आए, हमको गोदाम उठा के एक दो गोदाम उठा के खाली बता दिए कि ये खाली है और पूरा जो यूरिया है वो दुकानों पर ब्लैक कर दिया और दुकानों पर 400 रुपये इकट्ठा दे रहे हैं। वो ये यहाँ पे तो देंगे दुकानों पर, वही वाला यूरिया दुकान पे कहाँ से आया? अभी यहाँ कब से आपने जाम लगा रखा है? यहाँ पे कब से जाम लगा रखा है? अभी अभी लगाया है। अभी लगाया है। कोई आया कलेक्टर? ऐसा नहीं होगा कि वो जाओ। अशोक नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट समाचार के लिए।